तो इतने सालों से इतने कमेंट्स और लीक्स वगैरह चल रहे थे जियो स्मार्टफोन्स के बारे में, तो अब फाइनली जियो का स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है जियोफोन नेक्स्ट। तो इसके यहाँ पर पूरे फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ, इसके यहाँ पर प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बताने वाला हूँ, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। अब देखो ये जो आज लॉन्च हुआ है यहाँ पर जियोफोन, तो इसके काफ़ी सारी डिटेल्स हमें बता दीजिए है अंबानी जी ने बता दी है अंबानी जी ने तो थोड़ा मिक्स हो गया तो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोन लॉन्च हुआ है वो जियो और गूगल की पार्टनरशिप में हुआ है। पहले ही जियो ने बता दिया कि हम जियो और गूगल आपस में मिल चुके हैं और एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं, और फाइनली आज दिखा दिया, शोकेस कर दिया गया है स्मार्टफोन को। फिजिकली यहाँ पर हाथ में लेकर नहीं दिखाया, सिर्फ फोटो वगैरह ही दिखाया और स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी अंडर प्रोडक्शन है, फाइनली अभी फोन नहीं निकल कर आया है, लेकिन लॉन्च हो चुका है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इसके फीचर्स वगैरह भी बता दिए गए हैं। तो उसका नाम जो रखा गया है वो जियोफोन नेक्स्ट है, और ये आपका मोस्ट अफोर्डेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने वाला है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का। तो दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन ये होने वाला है, और इसके जो कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह उसके बारे में बता दूं तो ये फुल्ली आपका एंड्रॉयड फोन होने वाला है। आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस वगैरह इसमें यूज कर सकते हो, और ये आपका 4G फोन होगा, ये 5G फोन नहीं होने वाला है। इसमें आपको सिंगल बैक कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, और काफ़ी छोटे छोटे बेजल्स नहीं देखने को मिलेंगे जैसे पुराने फोन होते थे, बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है। और इसमें आपको 1GB रैम 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, और ये आपका जो फोन होगा इसमें बेसिक फीचर्स जो है एंड्रॉयड वाले वो देखने को मिलेंगे, जैसे गूगल असिस्टेंट हुआ आपका, रीड अलाउड स्क्रीन वगैरह, ट्रांसलेटर वगैरह, ये जो बेसिक एंड्रॉयड के फीचर्स होते हैं ये सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और जियो के कुछ एप्लीकेशन वगैरह इसमें प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगी। और ये जो फ़ोन लॉन्च करा गया है वो इस हिसाब से लॉन्च करा गया है कि कोई भी भाई ऐसा बंदा ना हो इंडिया में जो एक फीचर फ़ोन यूज़ करता हो या फिर एक 2G फ़ोन यूज़ करता हो। तो जियो का मेन एम ये है कि भाई इस देश को 2G मुक्त कराना है, सब लोग 4G और हाई स्पीड डेटा यूज़ करें और एक स्मार्टफोन का यूज़ करें। तो इसी हिसाब से ये फ़ोन लॉन्च करा गया है, और ये जो फ़ोन है ये जो आप इसको खरीद पाओगे या फिर इसको बाय कर पाओगे या फिर इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आगे प्रोसेस होगी वो 10 सितंबर 2021 से होने वाली है, जो कि गणेश चतुर्थी के ओकेशन पर इस डेट को रखा गया है। तो 10 सितंबर को किस तरह से प्रोसेस होगी, किस तरह से इसको बाय करना है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको, और इसकी अनबॉक्सिंग भी काफ़ी जल्दी लेकर आने वाला हूं, और एक और वीडियो आने वाली जिसमें मैं और डिटेल में इसके स्पेसिफिकेशंस और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। तो इसका प्राइस जो होने वाला है वो अभी नहीं बताया, लेकिन भाई मैं बता रहा हूं इसका प्राइस जो होगा वो 3000 होने वाला है, मतलब 2999, और इसमें कुछ ऑफर्स वगैरह लगाकर ये इसका प्राइस काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो वो चीज़ एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये कंफर्म बता सकता हूं कि इसका प्राइस 3000 के नीचे होने वाला है। तो फिलहाल यार ये फोन पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसकी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है।